चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। परिवर्तन संदेश रैली में उपस्थित सभी नौजवान भाइयों को और अपने मेरे बुजुर्ग हमारे मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी का मैं नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। नाम हमने परिवर्तन संदेश दिया, गुरु नानक जी की जयंती के अवसर में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। लोग सोचते थे कि इनके यहां कोई व्यवस्था लिया ही नहीं है, मोदी जी कभी पीछे मुड़के ही नहीं देखते, हट कैसे जाएंगे। लेकिन जो किसान लगातार आपके यहां नजर भी थी और भरपूर प्रयास भी आपने किए, पूरा सहयोग किया उस आंदोलन को, ये वाकई हमारी परिवर्तन संदेश रैली नहीं रही, ये तो जश्न मोहम्मद जश्न किसान में तब्दील हो गया। ये जीत किसान की है, कब्जा करना चाहते थे, आपके खेती पे कब्जा करना चाहते थे, जो ये दलील देते थे कि मुट्ठी भर किसान क्या कर लेते, उनका अहंकार दूर कर दिया। मैं कहता हूं मोदी जी, मैं भी इस बात को कहता था कि पीछे हट जाओ, हम तो पैदाइशी जिद्दी है, और झूठ
जितनी बनी होगी तो इनके पास माशाल्लाह जरूर होगी। अभी भी आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इरादा अच्छा था लेकिन मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, किसान अपने आप समझ गए, किसानों ने समझ लिया, किसान की अगली पीढ़ी ने समझ लिया, वो अपनी लाभ हानि को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं गवार नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आज भी भोपड़ में पैदा होने वाला, गांव के स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, वो विद्वान है, वो जानता है सरकार के कामकाज कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, क्या हिसाब किताब है। आज वो समय नहीं रहा, मोबाइल फोन के माध्यम से नौजवानों को पूरी जानकारी है। और हम तो यहाँ यूपी की सरकार से तंग हैं, बाबा को नहीं मालूम कुछ भी, बाबा तो मस्त रहते हैं, वो सर पे जो है फल फूल की टोकरी लगा के पूजे पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने वो तपस्वी है, उन्होंने त्याग दिया। अब मैं नहीं जानता आपने त्याग दिया क्या, ये जो कह रहे हैं मैं गलती लखनऊ की त्यागनी पड़ेगी, ये भी त्यागनी पड़ेगी गलती योगी जी। अब योगी जी को जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये तो पता ही नहीं होगा कि हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्क हो जा रही है, सरकार की आज वाली हालत अच्छी नहीं है, खजाने को खाली कर दिया गया है, फिजूली खर्चे में देश भर में चप्पे चप्पे पे इन्होंने अपनी होल्डिंग लगा रखी है, मीडिया वालों को खरीदने में सारा पैसा धन बताया जा रहा है और जन सुविधाओं के लिए उनके नाम पे कुछ नहीं, वेतन नहीं मिल रहा सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने से वेतन नहीं दे पा रही सरकार। 2017 में उत्तर प्रदेश के बजट को आप देखें तो 4 लाख करोड़ का कर्जा था, 5 साल में 50% बढ़ा दिया और 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा आज उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे आप सबके लगभग 26,000 अनुमानित कर्जा है। क्या कोई गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, कारीगर, घूमकर क्या वह 26,000 रुपए चुका सकता है? 26,000 तो बहुत है, आपके घर में बिजली का बिल आ रहा होगा 4-5-6 हजार तो आ ही रहा होगा, अपने उबेर के जो मीटर लग रहे हैं उसमें भी आएगा, देने का बोध है क्या? ये भी ठान लो, आपने ठान लिया था कि हम पीछे नहीं जाएंगे, कानून हटेंगे, और आज भी ठान लो, हमने तो ठान लिया है, आप हमें मौका दोगे, मजबूती दोगे, सरकार बनेगी, ये जो बिजली के बिल से आप परेशान हो, हमने ठान लिया कि किसान और बुनकर के लिए पुराने बिल माफ और आगे की दर हाफ, हम करेंगे। गन्ने की बात बहुत काम है, खेतों में झोल चल रहा है, बहुत काम है, किसानों के शादियां हो रही हैं, इसके बावजूद आप सब यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन गन्ने की वो फसल जिसमें वाकई कोई मिठास अगर पहुंची किसान तक, उसका श्रेय चौधरी अजीत सिंह जी के उस विजन को जाता है कि उन्होंने यहाँ उद्योग स्थापित किए, आपको उद्योग से जोड़ा, आपको एक मजबूत विकल्प दिया। लेकिन आज गन्ने की खेती कर रहे किसान जानते हैं, बाबा आके खुशी कह लें, आपको भी पता है 1,000 करोड़ का बकाया था, एक भी सत्र में 5 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि किसी किसान को 14 दिन में भुगतान मिल गया हो, नहीं मिला 14 दिन में भुगतान, ब्याज को तो भूल ही गए लोग। और मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, अगर हम और आप चूक गए, किसी कारणवश हम कमजोर हो गए, बढ़ गए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हो या जातिगत आधार को, हमारी ताकत इसलिए बने हमें जो होके लड़े,
तब जीत पाए, तब माफी मांगी प्रधानमंत्री ने किसानों से। लेकिन अगर आप चूक जाओगे, ये एक और परिवर्तन करना चाहते हैं। आज जो कानून में प्रावधान है आपके हित का, 14 दिन में भुगतान होगा। यदि नहीं हुआ तो ब्याज का अधिकार किसानों का है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कोई सरकार का निर्णय नहीं, कानून का हिस्सा है। अगर इनकी सरकार यूपी में दोबारा बन गई, अगर मोदी जी को लगा कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया, भीखा पड़ गया, मैंने दोबारा ढोंग करके किसानों को अपनी ओर जीत लिया, तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इस कानून को रद्द करने जाएंगे। और ये चाहते हैं कि एक मुश्त नहीं, किस्तों में गन्ने की खेती कर रहे किसानों को किस्तों में पेमेंट हो। तब लग जाएंगे, 1 साल 2 साल लगे तो लगे। मैं जानता हूं कि अभी भी 1-1.5 साल का इंतजार आपको करना पड़ता है, लेकिन कानून तो है। आप कोर्ट में तो जाके लड़ सकते हो, ये तो उस कानून को बदलना चाहते हैं। ये भी मैं कोई बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, ये कहीं किसी अखबार में नहीं छपा है, लेकिन नीति आयोग ने ये सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं उस का। और आपने भी देखा होगा, जब रात में मोदी जी आते हैं कि 8 बजे देश के आगे वो भाषण देंगे, तब कुछ गलती करते हैं, और सुबह बोला तो ठीक बोले। लेकिन ये काम रात में करेंगे, अगर हम कमजोर हो गए तो निश्चित तौर पे रात में 8 बजे मोदी जी आएंगे और कहेंगे 14 दिन की बात खत्म। पूंजीपति की कमर टूट रही है, योगी जी ने कहा गन्ने का भाव बढ़ाएंगे तो इनकी कमर टूट जाएगी। ये बेचारे पूंजीपति कहां से बैंकों से लोन लेते हैं, फिर कभी भागना पड़ जाता है, बहुत बेचारे हैं। और दाम दिया तो क्या दिया, इससे अच्छा तो खट्टर है हरियाणा में, इससे ज्यादा भाव तो पंजाब की सरकार दे रही है। देश में सबसे ज्यादा पैदावार आप करते हो, इतने बढ़िया आपकी गन्ने की फसल है, और यहां रेट आपको सबसे कम दिया जाएगा। हमने तो मान लिया ये, अगर हम आपको आप हमें मजबूती देंगे, हम आपको मजबूती देंगे, ये हमारा काम रहेगा। ये आखिरी सत्र है गन्ने का, जब आपकी मुश्किलें हैं, तो जब हमारी सरकार बनेगी तो इन मुश्किलों को सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। गन्ने का लागत में 1.5 गुना मूल, 1.5 गुना मूल जो मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होने की C2+ फॉर्मूला के तहत देश के हर कोने के किसान कर रहे हैं, तो वो चीज गन्ने में भी तो लागू होनी चाहिए। पहले छपते थे आंकड़े कि लागत का अनुमान क्या है, उसको उसमें भी खेल है, उसमें भी झोल है। सरकारी हिसाब से लागत कम दिखाई जाती है कि भाव कम दिया जा, लेकिन जब आपकी सरकार बनेगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान का हिसाब किताब क्या होता है, किसान के पसीने का मोल क्या होता है, उसकी खून की पहचान ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जान सकते हैं। वो बाबा के समझ में वो चीज नहीं आता। बाबा को एक ही फॉर्मूला आता है, बाबा को एक ही फॉर्मूला आता है, वही उसी में लगे। कैनाडा है तो वो कैनाडा पलायन, उसके आगे ना उसके कुछ पीछे, और कुछ नहीं उनके पास। कैनाडा में एक उपचुनाव हुआ था, उस समय भी उन्होंने सब उपाय कोशिश की थी कि जिन्ना की बात करो, जिन्ना की बात करो, फिर वही कर रहे जिन्ना की बात करो ना, हमें कुछ मतलब ना आपको कुछ मतलब। उस समय हमने नारा दिया जिन्ना नहीं गन्ना जीतेगा, और गन्ना जीता, गन्ने के किसान जीते, गन्ने में जिन्ना जिन्ना किया। हम तो किसान की करेंगे, हम नौजवान की करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे। मैंने एक बजट तैयार किया है भगड़े के नौजवानों के लिए, मैंने सपना देखा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मैं देना चाहता हूं, और हमने ठान लिया है हमारी सरकार बनेगी, हमने प्लान है हमारे पास, ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं है। 1 करोड़ नौजवानों को 5 साल के अंदर हम नौकरी देंगे, 6 सालों में 1 करोड़,
नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 करोड़। अब कोई मैं साथ में अब कोई कहेगा भाई 1 करोड़ तो ज्यादा बात हो गई, ये तो ज्यादा हो गया। हो सकता है कोई आदमी सोचे इस बात को? आप हिसाब लगाओ प्रदेश की आबादी कितनी है और 1 करोड़ का हिस्सा कितना है। 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश के 3 से 4% नौजवानों को भी हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो क्या हमारा हक है राजनीति करने का? हमारा हक है? मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, त्याग कर दूंगा, ऐसी सत्ता को छोड़ दूंगा अगर मैं अपने बदला हुआ। लखनऊ में चाट खिलाएंगे आप। उस बनने का काम मेरा नहीं होता। लेकिन जिस तरह मोदी जी ने कहा ना कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, ये खतरे हैं। बिहार के कृषि मंत्री हैं अमरिंदर, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के कोटा से मंत्री हैं, उन्हें कुछ तो अंदर की बात पता होगी। उन्होंने अभी बयान दिया कहा है कि कानून तो लागू फिर होंगे। मोदी जी ये कानून फिर लाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। और क्या जवाब देंगे वे लोग जो गांव में घुस नहीं पा रहे थे? गांव में प्रवेश वर्जित है, भाजपा का नेता कोई आए ना, इस तरह के बोर्ड लगा दिए थे, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? इतना गुस्सा था लोगों के अंदर और फिर भी वो किसी तरीके से आगे समझाने की बात करते थे, तो यही तो कहते थे कि ये बड़े किसानों का नुकसान है और जो छोटे किसान है मोदी जी उनको लाभ देंगे। ये कानून से उनका कोई नुकसान नहीं है, बहुत लाभ हो रहा है किसानों का। परसों शाम तक यही कहते होंगे वो लोग, फिर कहते होंगे ये तो किसान नहीं है, तो एक लोग ही है, तो एक जाति के लोग, ये तो जाट लोग हैं कुछ, वही बैठे हैं, इनकी तो फितरत है, ये तो लड़ते रहते हैं। इस तरह की बात है बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कार्यकर्ता जाके जहां उन्हें घुसने का बैठने का मौका मिल जाता था वहां बैठ के यही बात करते, परसों रात तक यही करते थे। लेकिन कल सुबह के बाद उनको समझ नहीं आ रहा, ना यहाँ जाए ना वहां जाए, कहां जाए। जैसे आज का मौसम है ना, जैकेट पहनो तो दिक्कत और ना पहनो तो दिक्कत। मोदी जी भी मौसम ही देख रहे हैं, मुझे लगता समझ नहीं आ रहा सर्दी हो रही है गर्मी हो रही क्या है। तो मौज लेकिन अभी काम अधूरा है। हमारे लोग हल्ला बहुत करते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गले लगा देते हैं, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे अर्जुन जी का तीर जहां जाना था तो निशाने पे कैसे पहुंचेगा, जब तक निशाने पे नहीं जाएगा हमारी आंख वहां से हटनी नहीं चाहिए। हमारे पार्टी ने कार्यक्रम दिया है कार्यकर्ताओं को, बहुजन उदय अभियान, कोई भी वंचित समाज का व्यक्ति, कमजोर वर्ग जिसकी गिनती कहीं नहीं हो रही, कुछ हमारी भी गलतियां नहीं होंगी, हमने भी भागीदारी नहीं दी होगी। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को याद करो, आप देखोगे गौर करोगे राजनीतिक मंच पे अगर आपके समाज में कहीं कोई भागीदारी है, उठा उठा के नेता बनाया चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया, आप लोगों ने बनवाया। और आज हमने जो कार्यक्रम दिया वो ये है कि हर रविवार को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग और आप भी लोग सहयोग करें, वहां उन समाज में जाए और उन्हें लोकदल की नीतियों से जोड़े, उन्हें सम्मान दें, उन्हें लोकदल का पट्टा पहनाए, चौधरी साहब के बारे में बताएं। हम अपने लोक संकल्प 2022 में
उनके लिए क्या करना चाहते हैं वो बताएं। संगठन में जिम्मेदारी दें और जब सत्ता आएगी उनको भागीदारी हम देंगे। इस अभियान में क्या आप लोग शरीर होंगे, शामिल होंगे ना? रविवार एक दिन है सप्ताह में, एक दिन। क्योंकि आपने भी देखा 5 साल हम लोग लड़ते रहे, लोकदल का वर्कर रुकना नहीं है, कई बार बैरियर लगाए, मैं भी कूद कर निकल गया, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, रुकना नहीं है। आपस में लाठी खाई, रुके नहीं। लखीमपुर में रोकने की कोशिश की, लोकदल के कार्यकर्ता रुके नहीं और लखनऊ के रास्ते चल पड़े हैं। रुकने का काम नहीं हमारा। यही संदेश दूंगा, जो कल सरकार का फैसला है, जो भी आंदोलन से जुड़े किसान निर्णय लेंगे, मैं ऐलान करता हूँ, क्योंकि उस फैसले के बाद पहला ये कार्यक्रम है जनता के बीच, किसान के बीच हम लोग खड़े हैं और यहाँ जो फैसला आप लोगों के देश तक पहुँचेगा, मैं उनको ये उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसला है वहां दिल्ली में बैठ के वो लोग लेंगे, लोकदल का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। हमें एमएसपी की लड़ाई भी लड़नी है, बिजली के कानून की वापसी की लड़ाई भी हमें लड़नी है और राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक चोट निरंतर भाजपा को देनी है। जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें हमें मात देनी है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय भारत।